तो हमने अभी अभी देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज किस टाइप के होते हैं, उन्हें क्लासिफाई भी कर लिया, यूनिट्स भी उनकी देख ली। अब हम एक बेसिक सवाल पे आते हैं, अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना हो तब हम क्या करेंगे? तो मान लीजिए मैं आपको एक हाथ में 5 किलो चावल दे दूं और एक हाथ में 1 मीटर कपड़ा दे दूं, क्या ये दोनों चीजों को ऐड किया जा सकता है? तो क्लियरली आपका जवाब होगा कि इन्हें ऐड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको 1 मीटर कपड़ा और आधा मीटर कपड़ा दे दूं तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो क्लियरली दोनों इस केस में हम दोनों साइड लेंथ ले रहे हैं और उसे ऐड कर रहे हैं, तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मास और लेंथ को ऐड करना हुआ तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ तो काफ़ी सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज थी, लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटीज होती है उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s डिनोट करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी जो कि स्पीड होती है, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। और हमसे पूछा गया है कि क्या ये इक्वेशन सही हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ut और हाफ ए टी स्क्वायर सेम होने चाहिए। अब हम ये कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करने के लिए हम बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। तो हमें पता है स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता है लेंथ अपॉन टाइम है, तो लेंथ अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा मैं, तो लेंथ अपॉन टाइम होल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसे मैं लिख सकता हूं लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों आ गई। अब अगर मैं चेक करूं कि ये टर्म क्या डिनोट करता है, तो यू टी क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम जो कि होगा लेंथ। सिमिलरली ए टी स्क्वायर जो है इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर है, और टी स्क्वायर जो है वापस वो टाइम स्क्वायर होगा, इसका मतलब है ए टी स्क्वायर भी लेंथ। तो क्लियरली क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, इसका मतलब है इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा लेंथ ही है, इसका मतलब है ये इक्वेशन सही हो सकता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटीज को लिख लें तो उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यहां मैंने पूरा लिखा है लेंथ और मास, इसकी जगह मैं उसे सिंबल्स से भी डिनोट कर सकता हूं। तो जब मैं सिंबल्स से उन्हें डिनोट कर देता हूं तो इन चीजों को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और इन डायमेंशन से हम कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इन डायमेंशंस को क्या कहा जाता है और सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को।